हाय फ्रेंड, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, इसकी टेस्टिंग के बारे में और ये कितने प्रकार के होते हैं और भी बहुत सारी कुछ। आपको ट्रांसफार्मर की सारी कन्फ्यूजन इस वीडियो में क्लियर करने की मैंने कोशिश की है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मुझे उम्मीद है आपको ट्रांसफार्मर के बारे में सारी जानकारी इससे मिल जाएगी। इसका इंटरनल कनेक्शन होता है, ये काम कैसे करता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। सबसे पहले ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसका यूज़ किया जाता है हाई वोल्टेज को लो बनाने के लिए या लो वोल्टेज को हाई वोल्ट बनाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पहचानेंगे कि ट्रांसफार्मर है, तो इसका डिनोटिंग लेटर होता है TXFR या TF या T। अगर इन तीनों में से कोई भी अगर सर्किट पे लिखा हो किसी कंपोनेंट के आसपास तो वो हमारा ट्रांसफार्मर होता है। इसको मेजर किया जाता है हेनरी में, जिस तरह कॉइल को मेजर किया जाता था हेनरी में, क्योंकि ट्रांसफार्मर भी एक कॉइल से बना हुआ रहता है, इसीलिए इसका भी मेजरमेंट हेनरी कैटेगरी में किया जाता है। इसका सर्किट सिंबल आपको कुछ इस तरह मिलेगा। ये हमारा कॉइल की वाइंडिंग है, बीच में इसका कोर प्लेट है आयरन का, ये दूसरी वाइंडिंग है जिसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई जो आपको पहचानने में, उसके मेजर करने में, उसकी सिंबॉलिक आइकॉन को आइडेंटिफाई करने में आपको मदद करेगी। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, यहाँ हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, टैप्ड ट्रांसफार्मर, मल्टी ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। इनमें से हमारे यूज़ में जो आते हैं, हम जिसको यूज़ करते हैं वो होता है या तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है या स्टेप डाउन होता है। इन सब आइसोलेशन, टैप्ड, मल्टी, ऑटो, ये सब जो ट्रांसफार्मर है ये इनको किसी खास काम के लिए बनाया जाता है। हमारे यूज में जो आने वाले ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन है। तो इसको हम डिफिनेशन से बाद में जानेंगे, पहले हम ये जो चार है आइसोलेशन, टैप, मल्टी, ऑटो, इनके बारे में कुछ शॉर्टकट जान लेते हैं क्या ये ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो होता है ये काफ़ी हेवी होता है, काफ़ी भारी होता है, इनको हाई वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में इसकी टेम्परेचर और इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बनाए रखने के लिए जो यूज़ करते हैं वो एक लिक्विड का यूज़ करते हैं जिसे तारपिंग का तेल कहा जाता है, जो इसके टेम्परेचर और इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करके रखती है। अब टैप्ड ट्रांसफार्मर का यूज़ पुराने CRT टीवी, CRT मॉनिटर में यूज़ हुआ करती थी। इस ट्रांसफार्मर का आउटपुट फिक्स होता है और इसका यूज सिंगल वोल्टेज आउटपुट के लिए किया जाता है। ऐसे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग बहुत कम होता है, लेकिन आजकल इसका यूज़ बहुत कम होता है। यह ट्रांसफार्मर कई तरह के पाए जाते हैं, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम असल स्टेप डाउन एंड स्टेप अप के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफिनेशन इनकी भी जान लेते हैं। अब हम मल्टी की भी डिफिनेशन जान लेते हैं कि ये मल्टी ट्रांसफार्मर क्या होता है। मल्टी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, मतलब जहाँ से AC इन करता है, वो कम होती है और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग जहाँ से हम आउटपुट लेते हैं उसकी वाइंडिंग मल्टी होती है, जिसके कारण हम अलग अलग वायर से अलग अलग वोल्टेज प्राप्त करते हैं। अगर मैं मल्टी ट्रांसफार्मर की एग्जांपल दूँ तो आपको स्टेबलाइजर में यूज़ होने वाला ट्रांसफार्मर, बैटरी बूस्टर में यूज़ होने वाला ट्रांसफार्मर मल्टी ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर की। ऑटो ट्रांसफार्मर एयर कंडीशनर वॉशिंग मशीन जो होता है उसमें इनका यूज़ किया जाता है। इसका इनपुट एक सेंसर डिवाइस के कनेक्ट होते ही, इसका इनपुट जो होता है एक सेंसर डिवाइस से कनेक्ट होता है, इसके द्वारा सेंस करने पर इसका आउटपुट भी चेंज होता रहता है। अब हम बात करेंगे स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में, जिससे हमारा असल मकसद है, जिसका यूज़ हमारे ज़िंदगी में आने वाले हैं। तो हम पहले इसके कुछ रियल शेप देख लेते हैं। ये हमारा वो ट्रांसफार्मर है जिसको हम स्टेप डाउन कहते हैं। ये इनपुट में हाई वोल्टेज को लेके आउटपुट से लो देता है।
ही हमारा एसएमडी टाइप है जो आपको मोबाइल एसएमडी डीसी डिवाइस से चलने वाले डीसी करंट से चलने वाले डिवाइस पे आपको ये एसएमडी ट्रांसफार्मर देखने को मिल सकता है। ये हमारा इंटरनल कनेक्शन है, इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल्स में आगे। ये भी हमारा एक ट्रांसफार्मर है जो टीवी सीडी डीवीडी इन सारी चीज़ों में यूज होता है इस ट्रांसफार्मर का। ये हमारा एसएमडी ट्रांसफार्मर है, ये इसकी इंटरनल कनेक्शन है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर को बनाने की ज़रूरत क्यों हुई। ये भी तो हो सकता है कि जब हमें हमारे होम में बने हुए जो डिवाइस है जितनी हमारी ज़रूरत होती है उतनी ही करंट जनरेट क्यों नहीं होता पावर स्टेशन में, क्यों उसको हाई वोल्टेज में जनरेट किया जाता है, फिर हम उनको ट्रांसफार्मर के ज़रिए उस हाई वोल्टेज को लो बनाने की ज़रूरत पड़ती है एक ट्रांसफार्मर की मदद से, ऐसा क्यों किया जाता है। तो इसकी वजह यह है कि यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैव ह्यूज फैक्ट्री मशीन्स दैट आर मच बिगर एंड मोर एनर्जी हंग्री दैन एनीथिंग यू हैव एट होम। द एनर्जी एंड अप्लायंसेस यूज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वोल्टेज पावर हंग्री मशीन माइट यूज 10,000 to 30,000 volt। स्मॉलर फैक्ट्रीज एंड मशीन शॉप्स में नीड सप्लाईज ऑफ 400 volts और सो इन अदर वर्ड्स डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी यूजर्स नीड डिफरेंट वोल्टेज। इट मेक्स सेंस टू शिप हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पावर स्टेशन एंड देन ट्रांसफॉर्म इट टू लोअर वोल्टेज व्हेन इट रीच इट्स वेरियस डेस्टिनेशन। इसको हम अगर अच्छी तरीके से समझना चाहें तो बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ होती है, कंपनी होती है जहाँ पर जो बिजली का यूज होता है वो 400 या इस तरह के कुछ लो वोल्टेज से वहाँ पे काम चलने वाले नहीं होती है। उसकी फैक्ट्रियाँ वहाँ की मशीन लगी हुई मशीनें वो 10,000 से लेकर 30,000 वोल्ट तक पे काम करने वाली मशीन उसमें होती है, इसीलिए पावर स्टेशन से इतने हेवी वोल्टेज इतने बड़े अमाउंट में वोल्टेज को करंट को क्रिएट किया जाता है। और सब अपने अपने यूज़ के हिसाब से ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन की ज़रूरत होता है या स्टेप अप की ज़रूरत होता है, उस हिसाब से अपने ट्रांसफार्मर को यूज़ करके आउटपुट में उतना वोल्टेज ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो बिजली आती है वो ट्रांसफार्मर से हाई से लो वोल्टेज में कन्वर्ट हो के आती है। अब मान लीजिए अगर बिना कन्वर्ट किए हुए अगर आप यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है, इफ़ यू ट्राई टू पावर अ टूस्टर और अ टीवी सेट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिसिटी पायलॉन इट वुड इंस्टेंटली एक्सप्लोड। बिना ट्रांसफार्मर की मदद से अगर हम डायरेक्ट टीवी या टूस्टर या इस तरह के किसी भी डिवाइस को डायरेक्ट हाई वोल्टेज में कनेक्ट कर देते हैं तो इसकी कोई गारंटी ही नहीं बचने का। डोंट इवन थिंक अबाउट ट्राई बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इन ओवरहेड लाइन्स विल ऑलमोस्ट ट्रांसेंडली की जो आपके सर के ऊपर जो बिजली होती है हाई वोल्टेज वाली जिससे हम ट्रांसफार्मर की मदद से लो वोल्टेज बनाते हैं उसमें इतनी पावर होती है कि वो आपकी जान भी ले सकती है, इसलिए आपसे बचे काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। सो देयर हैज टू सम वे ऑफ रिड्यूसिंग द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर प्लांट्स टू द लोअर प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज बाई फैक्ट्री ऑफिस एंड होम्स। द पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट डज दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसफार्मर। तो इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए कुछ रास्ते को बनाया गया जो हाई वोल्टेज को पावर प्लांट से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करें और उसको हम ऑफिस फैक्ट्री होम्स इसकी ज़रूरत के अनुसार यूज़ करें। और जो मशीन इस चीज़ इस कार्य को करती है हाई को लो लो को हाई बनाती है उसी को हम कॉल्ड ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, यह नीचे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इफ़ द फर्स्ट कॉइल हैज़ मोर टर्न्स दैट द सेकेंड कॉइल द सेकेंडरी वोल्टेज इज स्मॉलर देन द प्राइमरी वोल्टेज। मतलब अगर पहली प्राइमरी वाली कॉइल की जो वाइंडिंग है वो ज़्यादा है सेकेंडरी वाली कॉइल की वाइंडिंग से तो सेकेंडरी वोल्टेज कम होगी इसके प्राइमरी वोल्टेज से, जिसमें ज़्यादा मतलब वाइंडिंग की होगी इसका मतलब उधर हम ज़्यादा ले रहे हैं और जिसमें कम ये वाइंडिंग की होगी इसका मतलब है इधर से हम कम वोल्टेज ले रहे हैं।
and a step up transformer. Reversing the situation, we can make a step up transformer that boost a low voltage into high voltage. इसी को reverse करने के बाद अगर ज़्यादा winding वाली coil को हम primary में रख दें और कम वाली coil को हम secondary में रख दें तो ये हमारा step up हो जाता है, मतलब ज़्यादा ये ले रहा है और कम दे रहा है. अब ये ज़्यादा winding और कम winding क्या होता है इसको डिटेल्स में हम यहाँ कुछ समझाने की कोशिश करते हैं. ये हमारा इनपुट कॉइल है और ये हमारा आउटपुट कॉइल है. यहाँ से हम एसी को लेते हैं और यहाँ पे हाई वोल्टेज आ रही होती है और इसको प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है. तो ये डिपेंड करता है ये स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे बनता है. ये वाइंडिंग के थ्रू बनता है. देखा जाता है कि इनपुट में ज़्यादा वाइंडिंग है या आउटपुट में ज़्यादा वाइंडिंग है. अगर जिधर ज़्यादा वाइंडिंग है उधर ज़्यादा करंट आउट होगा और जिधर कम वाइंडिंग है उधर कम करंट मतलब के आउट होगा. अगर ये इन में लगा हुआ है तो कम वोल्टेज इन होगा. मान लीजिए इसको इन करने वाले को प्राइमरी और आउट करने वाले को सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है. हमारा इन 1 2 3 4 5 6 मरतबा घुमा के कॉइल को कॉइल में एसी को इन कराया गया. उसके बाद ये हमारा यहाँ पे आयरन कोर होगा जो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा. ये हम आगे समझने वाले हैं ये काम कैसे करता है, इसके बारे में आगे समझने वाले हैं. पहले इसकी इंटरनल कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है. और उसी तरह मान लीजिए 1 2 3 4 तो ये इसकी वाइंडिंग ये प्राइमरी कॉइल और ये हमारा सेकेंडरी कॉइल, इधर से इन होगा इधर से आउट होगा. तो अब ये कैसे समझ में आएगा कि कितना वोल्टेज से कितना ये स्टेप डाउन है या स्टेप अप है. स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है, हाई वोल्टेज से लो करना, और स्टेप अप का लो वोल्टेज से हाई करना. तो यहाँ पे ज़्यादा प्राइमरी में जो ले रहा है इन एसी वो इन कर रहा है, इनपुट हो रहा है जहाँ पे उसकी वाइंडिंग ज़्यादा है, इसका मतलब हाई वोल्टेज ये ले रहा है और हमको इनपुट में चाहिए कम वोल्टेज, तो हम कम वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर कॉइल का यूज़ करेंगे सेकेंडरी में. तो हमारा हाई वोल्टेज से कम वोल्टेज में कन्वर्ट होके हमें कम वोल्टेज यहाँ पे प्राप्त होगा. और इसी का यूज़ हम ज़्यादातर अपनी लाइफ में करते हैं, चाहे वो होम में मतलब कि हमारे घर में जो बिजली आती है वो भी हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से आता है, और मोबाइल में यूज़ होने वाले नेटवर्क सेक्शन में जो पुराने मोबाइल में आपको देखने को मिल सकता है. आजकल के मोबाइल में आपको ये देखने को ज़्यादातर नहीं मिलेगा, उनको अब नेटवर्क आईसी के साथ इनबिल्ट कर दिया गया. उनका काम ये होता था, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हुआ करता था, मतलब इसकी प्राइमरी वाइंडिंग कम होती थी, ये कम वोल्टेज को लेता था और सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा होती थी और ये ज़्यादा को वाइट कर आउट करता था सिग्नल को. नेटवर्क की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एसी के फॉर्म में होती है, इसलिए हम इसको ट्रांसफार्मर की मदद से फिल्टर करके उसको कम और ज़्यादा करते हैं. तो ये आजकल नेटवर्क ऐसे में बिल्ड होता है, ये आपको मोबाइल में देखने को आजकल नहीं मिलेगा. अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है. तो यहाँ पे मैंने उसका कुछ पिक्चर में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी कॉइल है जहाँ से एसी इन हो रहा है, और ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है जहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं. तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है, हाउ ट्रांसफार्मर वर्क, अ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन अ वेरी सिंपल फैक्ट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी. व्हेन अ फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वायर, इट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑल अराउंड इट. जब करंट जो है प्राइमरी में इन करता है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है, ये जिसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग उस मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को दोबारा से करंट में कन्वर्ट करके, और जिसकी कम वाइंडिंग है तो वो कम वोल्टेज को आउट करती है. जितनी वाइंडिंग रहेगी उसमें उतना ज़्यादा वोल्टेज बनेगा. और आगे देखते हैं क्या है.
सो द बिगर द करंट द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज़्यादा मात्रा में करंट होगा मतलब इन करेगा उतने ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। नाउ देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी टू, व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट्स अराउंड अ पीस ऑफ वायर इट जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट वायर में मतलब के क्रिएट करता है और साथ साथ में आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। सो इफ यू पुट अ सेकेंड कॉइल ऑफ वायर नेक्स्ट टू द फर्स्ट कॉइल, तो जिस तरह हम यहाँ पे इन किए और यहाँ पे पहले हम इसको देख लेते हैं, इसको हिंदी में हम बाद में समझा देंगे अच्छी तरीके से। इफ द करंट इन द फर्स्ट कॉइल, द कॉइल इन द फर्स्ट कॉइल इज यूजुअली कॉल्ड द प्राइमरी करंट एंड द करंट इन द सेकेंड वायर इज द सेकेंडरी करंट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिकॉज द करंट इन द फर्स्ट कॉइल कॉज द करंट इन द सेकेंड कॉइल। वी कैन मेक इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास मोर एफिशिएंटली from one coil to the other by wrapping them around the soft iron wire sometimes called a core। तो अब हम बात करते हैं, जब हम इनपुट में वोल्टेज इन करते हैं इनपुट मतलब प्राइमरी कॉइल में, तो जब करंट फ्लो होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जब मैग्नेटिक फील्ड करता है तो ये जो सेकेंडरी कॉइल है हमारा उस मैग्नेटिक फील्ड को ये दोबारा करंट में कन्वर्ट कर लेता है और उसके बाद अपने मतलब दोनों सिरों से ये करता है आउट करता है। अब आप किसी कितने ट्रांसफार्मर ऐसे देखे होंगे जिसकी इनपुट वायर दो होती है लेकिन आउटपुट कई सारे होती है, तो इसमें उसका बनावट कुछ ऐसा होता है कि ये एक कॉइल है यहाँ पे, फिर दो कॉइल, दूसरा कॉइल भी, तीसरा कॉइल भी इसके रहता है जिसमें अपने वाइंडिंग के हिसाब से अपना अपना वोल्टेज सब वायर में से आउट होता रहता है। और ये जो हमारा दिख रहा है ये हमारा इसको हम कोर कहते हैं। यहाँ पे बताया गया है ये इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन बिकॉज कहा गया वो सॉफ्ट वायर, हाँ आयरन का जो ये होता है ये आसानी से इस करंट को यहाँ तक पहुँचने में मदद करता है और इसी की मदद से एक करंट बाहर मतलब कि वेस्ट नहीं होता है, सारा का सारा एक मैग्नेटिक इस कॉइल से जाके कॉइल में जाके करंट में तब्दील हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आउटपुट में हम अच्छी तरीके से करंट को ले पाते हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए, करंट हमारा वेस्ट ना हो, इसको मेंटेन करने के लिए इसके यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में कोई डिफिकल्ट का सामना ना करना पड़े, जिस उसी की वजह से हम यहाँ आयरन वायर मतलब जिसे हम दूसरे नाम में कोर भी कहा जाता है उसका यूज़ करते हैं, तो हमारा ये कंप्लीट ट्रांसफार्मर हो जाता है और इसका काम काफ़ी अच्छी तरीके से होता है ऐसे इस तरह की बनावट करने के बाद। उसके बाद इसके ऊपर आप किसी ट्रांसफार्मर को ओपन करके देखेंगे तो कॉइल के ऊपर एक क्या कहते हैं एक कागज़ भी होता है, उस अलग तरीके का कागज़ होता है, वो लपेटने से इनकी सेफ्टी बनी हुई रहती है। और क्या कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज से हम लो वोल्टेज अपने घर में लेते हैं उसमें कुछ लिक्विड का भी यूज़ किया जाता है ताकि इसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। तो ओवरऑल बात ये हुई कि ट्रांसफार्मर का यूज़ हम वोल्टेज को हाई से लो और लो से हाई बनाने के लिए करते हैं। अभी डिपेंड करता है कि अगर हम वोल्टेज किसी वायर से हाई वोल्टेज मतलब कि ट्रैवल कर रही है लेकिन हमको उसे लो चाहिए तो हमको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का करना पड़ेगा, लेकिन मतलब हमको इनपुट में ज़्यादा वाइंडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये वोल्टेज जो वायर से थ्रू हो रही है वो हमारा ज़्यादा हो रही है इसलिए ज़्यादा वाइंडिंग करनी पड़ेगी। और अगर हमको आउटपुट में उससे कम लेना है तो आउटपुट के कॉइल में कम वाइंडिंग करनी पड़ेगी तो वो हमारा स्टेप डाउन बन जाएगा, उसी को अगर उल्टा कर दे तो वो हमारा स्टेप अप बन जाएगा। अगर हम बात करें इसकी टेस्टिंग के बारे में
तो इसकी टेस्टिंग काफ़ी आसान है। जैसा कि आपने देखा कि प्राइमरी में अगर एक ही को, प्राइमरी में तो एक होता ही है, अगर एक ही कॉइल को वाइंड करके दो वायर इससे निकालेंगे, एक इंड इस तरफ एक इंड इस तरफ, ऐसी एक इसमें इनपुट करते हैं और दूसरा इसमें इनपुट करते हैं। इसको टेस्ट करने का बहुत आसान तरीका है, मल्टीमीटर को आप बजट पॉइंट बीप रेंज में रखिए, कंटिन्यूटी रेंज पर, और इन दोनों को टच करने के, अगर बीप आ रही है इसका मतलब ये कनेक्शन कहीं बीच से ब्रेक नहीं हुआ है, ये हमारा वाइंडिंग सही है, बीप दे रहा है तो इन दोनों में कनेक्ट करने से ये हमारा कहीं से ब्रेक नहीं है, ये ओके है। और मान लीजिए कई सारे ट्रांसफार्मर आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कई आउटपुट में कई सारे मतलब कॉइल की वाइंडिंग की हुई रहती है तरह तरह के वोल्टेज आउट करने के लिए, जिस तरह के मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप कितना ट्रांसफार्मर देखेंगे जो इनपुट में तो दो ही है लेकिन आउटपुट में कई सारे वायर, तो उसका इंटरनल कनेक्शन ऐसे होता है कि एक वायर को कुछ वाइंड करके इस तरह जितना वोल्टेज चाहिए उतनी वाइंडिंग करके इस तरह, फिर दूसरे मतलब वायर से हमको कितनी वाइंडिंग चाहिए उस तरह हम करके फिर उसको इस तरह मतलब के वायर को बाहर कर देते हैं, फिर तीसरा जिस तरह हमको वोल्टेज चाहिए उस तरह वाइंडिंग करके उसको भी आउट कर देते हैं। तो अगर इस तरह हो तो इसको टेस्ट करने का तरीका यह है कि आप दो दो आपस में बीप देगा, इन दोनों को मतलब टच कीजिए ये आपस में बीप देगा, फिर इन दोनों को टच कीजिए ये आपस में बीप देगा, फिर इन दोनों को टच कीजिए, जितना कॉइल होगा उतने आपको बीप देगा। लेकिन और एक मरतबा इस तरह भी टेस्टिंग कर लेना है कि एक मल्टीमीटर का एक प्रोब इस साइड और एक प्रोब इस साइड, अगर इन दोनों में बीप मतलब साउंड नहीं आनी चाहिए, अगर साउंड आ रही है इसका मतलब ये हमारा ख़राब है, साउंड नहीं आए इन दोनों में बीप नहीं आनी चाहिए, लेकिन इन दोनों में बीप आनी चाहिए, और अगर यहाँ पे एक ही वाइंडिंग हुई है दो ही वायर आउट हुआ है आउटपुट से, तो एक यहाँ और एक यहाँ, जैसे कि ये दो ही वायर आउट हुआ है यहाँ से बल्ब में गया हुआ है, तो एक प्रोब यहाँ रखेंगे एक प्रोब यहाँ रखेंगे तो बीप साउंड आएगा, तो हमारा ये भी वाइंडिंग सही है और इसमें भी बीप साउंड आएगा तो हमारा ये भी वाइंडिंग सही है। लेकिन अगर आउटपुट में कई सारे वायर निकले हुए हैं तो अंदर इंटरनल कनेक्शन इसी तरह होता है, कई सारे कॉइल को वाइंड करके इस तरह सबको आउट कर दिया जाता है। तो इसको टेस्ट करने का तरीका, एक प्रोब को यहाँ एक को वहाँ बीप आएगा, एक को यहाँ बीप आएगा, फिर यहाँ बीप आएगा, इस तरह करने से अगर बीप आ रहा है तो ये हमारा ओके कंडीशन है।